हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ए सर। आज का टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स 2023। तो हम यहाँ पे प्रीवियस 6 मंथ्स के जितने भी जैन से लेकर जून तक के बुक्स और ऑथर्स जो न्यूज़ में थे उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है वो मिल जाएंगे, और साथ में जो भी बुक से रिलेटेड अवार्ड्स हैं, ठीक है, जैसे कि बुकर प्राइज, गोल्डन बुक अवार्ड्स, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल बुक्स एंड ऑथर से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं पॉसिबल, उन सबको हमने यहाँ पे करवा रखा है। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, और वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023। तो बुकर प्राइज किसने जीता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे बुकर प्राइज जीता है जॉर्जी गोस्पोडिनोव और साथ में एंजेला रोडल दोनों ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, तो इन्हें ये अवार्ड किस चीज़ के लिए मिला है? इन्हें इनकी नॉवल टाइम शेल्टर, इस नॉवल के लिए इन्हें ये बुकर प्राइज दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिलीज्ड द बुक गीता अचेयन अ प्रैक्टिशनर पर्सपेक्टिव। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है रिलीज्ड, ठीक है, ऑथर नहीं बोल रहा है, इसे रिलीज़ किया है गणेशी लाल जो कि उड़ीसा के गवर्नर हैं, और इस बुक के ऑथर कौन हैं? ये हैं के शिवा प्रसाद, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्डन ईयर्स इज़ अ बुक रिटन बाई। तो गोल्डन ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये बुक लिखी गई है बाई रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड बहुत ही फेमस राइटर हैं, इनकी बुक से रिलेटेड एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें 1992 में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था फॉर हिज बुक आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन एरा। पद्मश्री दिया गया है इन्हें इन द ईयर 1999, और पद्म भूषण दिया गया है इन 2014। तो ये बुक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्ट्री सिटी इज़ अ बुक रिलीज बाई। तो विक्ट्री सिटी बुक ये किसने रिलीज़ करी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सलमान रुश्दी की ये बुक है विक्ट्री सिटी। तो मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस वीकली और मंथली करंट अफेयर्स में करवा के रखा हुआ है, तो अगर वीकली और मंथली करंट अफेयर्स आप देखना चाहें तो आपको यहाँ ऊपर आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके प्रीवियस 6 मंथ्स के मंथली करंट अफेयर्स प्लस वीकली करंट अफेयर्स दोनों ही चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉर एंड वुमेन इज़ अ बुक रिटन बाई। तो वॉर एंड वुमेन ये बुक लिखा है एम ए हासन ने। ठीक है, तो ये बुक क्या चीज़ के बारे में बताता है ये यहाँ पर आप लिखा है, आप जस्ट पढ़ सकते हैं, आपसे नहीं पूछा जाएगा। मैंने सिर्फ आपको इसका एक ब्रीफ रिव्यू दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, अदरवाइज़ आपको सिर्फ ऑथर और बुक ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीआर ए पॉलिटिकल बायोग्राफी इज़ अ बुक रिटन बाय। तो एनटीआर ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, ठीक है, ये किसने लिखा है? ये लिखा है मूर्ति कोंडू बाथला ने। तो एनटीआर जो हैं ये एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उस टाइम पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना डिवाइड नहीं हुए थे, एक प्रॉपर होल आंध्र प्रदेश था उस टाइम पे, ये एक पॉलिटिकल लीडर थे, और साथ साथ में ये पहले टॉलीवुड के हीरो भी थे, एक्टर भी थे, और बाद में ये पॉलिटिशियन बने थे। ठीक है, तो इनकी ये पॉलिटिकल बायोग्राफी है जो कि लिखी गई है बाई मूर्ति कोंडू बाथला। आई होप आपको क्लियर है, तो इनके बारे में ही यहाँ पर ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स चेंज इट इज़ अ बुक रिलीज बाई। तो ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है आशीष कुंद्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रेजीना हिल्स इज़ अ बुक रिटन बाई। तो ये बुक लिखी है किसने? कस्तूरी रे ने। तो द्रौपदी मुर्मू जैसे आपको पता है कि ये हमारी प्रेसिडेंट है और फर्स्ट वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं। तो ये किस ट्राइब से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं संथल ट्राइब से। ठीक है, तो इनके बारे में ही यहाँ इस बुक में दिया गया है, और ये बुक लिखी है किसने? कस्तूरी रे ने। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस बुक टेल्स द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ ट्राइबल गर्ल हु ओवरकेम ऑब्स्टेकल्स टू बिकम अ सिंबल ऑफ रेजिलेंस डिटर्मिनेशन एंड प्रिजर्वेंस मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा टू बिकमिंग द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इनका जन्म जो है उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और फिर ये बनी है हमारी प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसलिए इनके बारे में ये बुक लिखी है कस्तूरी रे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए न्यू बुक टाइटल्ड सचिन एट 50 इज़ रिटन बाई। तो सचिन एट 50 ये बुक लिखी है
बोरिया मजुमदार ने, इम्पॉर्टेंट बुक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, माई लाइफ एज अ कॉम इज अ बुक रिटन बाई, तो ये बुक लिखी है के शैलजा ने. तो ये हमारी फॉर्मर केरला हेल्थ मिनिस्टर हैं के शैलजा. तो इनके बारे में इन्होंने अपनी बुक में बताई है. तो कैसे ये अपने चाइल्डहुड से शाई थी, फियरफुल थी, और फिर बाद में ये आके हमारी हेल्थ मिनिस्टर बनी, यानी कि केरला की हेल्थ मिनिस्टर. तो इस बारे में बताया गया है इनकी बुक में. ठीक है, तो इनका ये बुक इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्मोक एंड एशेस. स्मोक एंड एशेस ये बुक के ऑथर हैं अमिताभ घोष. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो देखिए, दिस बुक इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेमोयर, अ ट्रैवल लॉग एंड अ डीप डाइव इनटू इकोनॉमिक एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ ओपीएम. ठीक है, तो ओपीएम के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे नोटेबल वर्क, तो अमिताभ घोष ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें 54 ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था 2018 में. अच्छा, तो जब ज्ञानपीठ अवार्ड की बात आई है तो क्या बता सकते हैं इस ईयर में 57 ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, तो ये किन्हें दिया गया है? तो अगर आप जानते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा. ठीक है, तो अमिताभ घोष जो हैं ये इन्हें मिला था 54 ज्ञानपीठ अवार्ड, और इन्हें पद्मश्री भी दिया गया है इन 2007, और इनकी नोटेबल वर्क है शैडो लाइन्स. तो अगर आपसे पूछा जाए कि शैडो लाइन्स बुक किसने लिखी है, तो ये भी लिखी है अमिताभ घोष ने. इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन इज़ अ बुक रिटन बाई, तो ये बुक लिखी गई है बाई शेखर वेम्पाटी. ठीक है, तो देखिए, एट द 100th एपिसोड ऑफ मन की बात, ए बुक कॉल कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन रिटन बाई शशि शेखर वेम्पाटी फॉर्मर CEO ऑफ प्रसार भारती वॉज लॉन्च्ड. ठीक है, तो 100th एपिसोड ऑफ मन की बात में इस बुक को रिलीज़ किया गया था. ठीक है, तो ये कौन है शेखर वेम्पाटी? ये है CEO ऑफ प्रसार भारती. तो ये था इसके बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सियासत दूर सांप्रदायिकता इज़ अ बुक रिटन बाई, तो ये बुक लिखी है, नहीं ये नहीं है इसका आंसर, पीयूष बाबले हैं. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा. पीयूष बाबले ने लिखा है ये बुक, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली द बुक रेबल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम हैज़ रिसीव्ड एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज. ठीक है, तो इस बुक को मिला है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज. तो ये बुक किसने लिखी है आपको ये बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक. तो ये लिखी है रामचंद्र गुहा ने, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द बुक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू एटर्निटी इज रिलीज्ड, द बुक इज रिटन बाई, तो ये बुक लिखी गई है बाई डॉक्टर करण सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर अ लाइफ इज बुक रिटन बाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूरे वीडियो का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है. तो अंबेडकर अ लाइफ ये बुक लिखी है शशि थरूर ने. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इज़ अ बुक रिलीज्ड बाय, तो ये बुक लिखी है एम देसाई, यानी कि मेघनाथ देसाई ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन, तो ये बुक लिखी है मनोज कुमार. तो इस बुक में 3 volumes है, यानी कि 3 books हैं, ये एक बुक नहीं है, 3 books हैं, जो बताता है यहाँ पे जजमेंट्स स्पैनिंग फ्रॉम द ईयर 1988 टू 2022. तो जितने भी जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन बुक्स में ये दिया गया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिपिन रावत द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म इज बुक रिटन बाई, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ सकता है एग्जाम में. तो ये बुक को लिखा गया है बाई रचना बिष्ट. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवार्डेड विथ मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो हमने जैसे बताया आपको कि हम यहाँ पे अवार्ड भी डिस्कस करने वाले हैं, तो ये मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है पेगी मोहन को. नेक्स्ट, हु रोट द बुक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन अ फ्लक्स, तो ये बुक लिखा है JP नड्डा. तो JP नड्डा कौन है? ये BJP के नेशनल प्रेसिडेंट हैं. तो इन्होंने ये बुक को यहाँ पे लिखा है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन अ फ्लक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक फेयर 2023 टू बी हेल्ड इन, तो वर्ल्ड बुक फेयर, ठीक है, तो इसे करवाया गया था इन न्यू दिल्ली. तो देखिए, हम यहाँ पे सारे जितने भी बुक्स रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको कवर कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो कंटेंट है बहुत ही सेलेक्टेड कंटेंट है, एग्ज़ाम रिलेटेड ही है.
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा। नेक्स्ट है, हु रोट द बुक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमसी द न्यू डॉन। तो ये बुक लिखा गया है बाय डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। ठीक है, तो ये बुक को लॉन्च किया गया था बाय हुम, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, नेक्स्ट है, हु रोट द बुक इंडियन वैक्सीन स्टोरी। तो इंडियन वैक्सीन स्टोरी ये बुक किसने लिखी है, तो ये बुक को लिखा है सज्जन सिंह यादव ने। नेक्स्ट, हु रोट द बुक इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा। तो ये बुक को लिखा है पी ज्योतिर्मणि ने। नेक्स्ट, अ बुक टाइटल कॉटिंग इंडिया इज रिटन बाई, तो ये बुक को लिखा है नंदिनी दास ने। नेक्स्ट, वर्ल्ड बुक डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो वर्ल्ड बुक डे कब ऑब्जर्व किया जाता है आपको बताना है यहाँ पे, तो इसको ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 23rd अप्रैल। तो आप देख सकते हैं, तो ये बुक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम, टू प्रमोट लव फॉर रीडिंग राइटिंग पब्लिशिंग एंड कॉपीराइट। इसका थीम था 2023 का इंडिजीनस लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, टू प्रमोट द डाइवर्सिटी इन नेटिव लैंग्वेजेस ऑफ अ कंट्री। तो इंडिजीनस लैंग्वेजेस का थीम था, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है, हु वॉन द प्रेस्टिजियस लेपेजिक बुक प्राइज अवार्ड। तो ये अवार्ड दिया गया है यहाँ पे मारिया स्टेपानोवा को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, हु रोट द बुक इंडियन मेट्रोपोलिस डिसकंस्ट्रक्टिंग इंडियन अर्बन स्पेसेस। तो ये बुक को लिखा है फिरोज वरुण गांधी ने। तो ये जो बुक है एग्जामिन करता है द चैलेंजेस फेसिंग इंडियन अर्बन स्पेसेस इंक्लूडिंग पॉवर्टी इनइक्वालिटी क्राइम एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, हु रोट द बुक ब्रेकिंग बैरियर्स। ब्रेकिंग बैरियर्स ये बुक को लिखा है किसने, काकी माधव राव ने लिखा है इस बुक को। तो आप देख सकते हैं, ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी विच एड्रेसेस द डिटेल्स अबाउट द डायनामिक्स ऑफ सिविल सर्विसेज एट द ग्राउंड लेवल एंड ऑल्सो फिल्स द गैप इन द नॉलेज अबाउट माइक्रो पॉलिसीज एंड गवर्नेंस। तो ये एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने ये बुक को यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेड इन इंडिया 75 years ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज इज़ अ बुक रिटन बाई। तो ये बुक को लिखा है किसने, अमिताभ कांत ने। तो आप बता सकते हैं क्या कि अमिताभ कांत हैं कौन, तो ये थे हमारे G20 के शेरपा। ठीक है, तो इसलिए ये बुक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है, माई लाइफ इन डिज़ाइन इज़ अ बुक रिलीज्ड बाई। तो ये बुक लिखा है गौरी खान ने। नेक्स्ट, मास्टर रेसिडेंशियल रियल इस्टेट इज़ अ बुक रिटन बाई। तो ये वाली बुक को लिखा है अश्विंदर आर सिंह ने। नेक्स्ट, हु रोट द बुक जादूनामा। तो जादूनामा बुक किसने लिखा है, इस बुक को लिखा है जावेद अख्तर ने। ठीक है, तो देखिए, जादूनामा इज़ अबाउट अ राइटर पोएट लिरिसिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ठीक है, तो ये खुद की इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है यहाँ पे। इट इज़ ऑल्सो अबाउट द मैन स्ट्रगल सिंस चाइल्डहुड टू बिकम वॉट ही इज़ टूडे एंड टू क्रिएट अ हॉलमार्क ऑफ सक्सेस इन एवरीथिंग ही डज। तो जावेद अख्तर ने अपने बारे में यहाँ पे, उनकी चाइल्डहुड से जो स्ट्रगल थी, फिर ये कैसे अपना इस सक्सेस को पाए, ये सब के बारे में इन्होंने अपनी खुद की बुक जादूनामा में लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय टू योगी आदित्यनाथ इज़ अ बुक रिटन बाई। तो ये बुक को लिखा है शांतनु गुप्ता ने। नेक्स्ट, तो देखिए, इस बीच में यानी कि प्रीवियस 6 months में गोल्डन बुक अवार्ड्स भी आए थे, तो इसमें कुछ बुक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको यहाँ पे इन सबको पढ़ना है। तो देखिए, हम सारे जो बुक्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो दोगलापन द हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप्स, ये बुक को लिखा है अश्नीन ग्रोवर ने। नेक्स्ट है, हाउ टू लिव योर लाइफ, ये बुक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है, द डॉल्फिन एंड द शार्क स्टोरीज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये बुक को लिखा है नमिता थापर ने। नेटवर्क मार्केटिंग इन 60 मिनट्स, इस बुक को लिखा है दीपक बजाज ने। नाउ यू ब्रीथ, इस बुक को लिखा है राखी कपूर ने। नेक्स्ट, J.K. रोलिंग ने लिखा है ये बुक फैंटास्टिक बीस्ट द सीक्रेट ऑफ डंबलडोर, ये बुक आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एनर्जाइज योर माइंड ए मॉन्क्स गाइड टू माइंडफुल लिविंग, ये बुक को लिखा है गौर गोपाल दास ने। द 7 स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस, इस बुक को लिखा है दीपक चोपड़ा ने।
द विजडम ब्रिज, नाइन प्रिंसिपल टू अ लाइफ दैट इकोज इन हार्ट्स ऑफ, तो इस बुक को लिखा है कमलेश पटेल ने। डायरी ऑफ विम्पी किड, इस बुक को लिखा है जेफ किनी ने। तो ये सारे को दिया गया था गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, तो आपको इन सबको पढ़ना है। बट जो मैंने इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिया है यहाँ पे, है ना। ये दीपक चोपड़ा की बुक, जेके रोलिंग की बुक, सिर्फ फिर साथ में यहाँ पे रस्किन बॉन्ड की ये वाली बुक भी पढ़ लीजिए, और दीपक बजाज, नमिता थापर, तो ये चारों जो हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप सारे ही पढ़िए, मैं सिर्फ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ ताकि सिर्फ आप इसको हाईलाइटेड तरीके से पढ़ सकें। तो ये थे हमारे गोल्डन बुक अवार्ड्स। अब आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। ये हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 2022 जो अभी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लिखे हैं, जल्दी जल्दी हम इन सबको रिवाइज़ करते हैं। तो देखिए, तो ये सारे बहुत पुराने बुक्स नहीं हैं, 2022 के जो सेप्टेम्बर से लेकर दिसंबर का टाइम था उस टाइम के ये बुक्स हैं। तो देखिए, पहला बुक है द इंडिया स्टोरी, ये लिखा है बिमल जलाल ने, ठीक है, रुकिए। उसके बाद है लिसन टू योर हार्ट, ये लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एग्ज़ाम में आया था प्रीवियस ईयर के बहुत सारे एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट है जो जो मैं इंपॉर्टेंट है उनको टिक कर रही हूँ यहाँ पे, ए प्लेस कॉल्ड होम, इस बुक को लिखा है प्रीति शिनॉय ने, इंपॉर्टेंट है। फिर है लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन, ये बुक को लिखा है राशिद किडवाई ने। इसके बाद ये बहुत बुक इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, इस बुक को लिखा है आलोक चक्रवाल ने, ये बहुत आ चुका है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है लाल सलाम, इसे लिखा है स्मृति ईरानी ने। प्राइड प्रेजुडाइज पंडित्री, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इस बुक को लिखा है शशि थरूर ने। क्वीन ऑफ फायर, इसको लिखा है देविका रंगाचारी ने। इसके बाद है द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन, इस बुक को लिखा है राजेश तलवार ने। तो ये हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स, इसके साथ और कुछ हैं देख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद है उंगालिल ओरुवन, तो ये है चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु के, यानी कि एम के स्टालिन की बुक। इसके बाद द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, ये है लिखी गई बाई विकास कुमार झा, तो ये इनकी बायोग्राफी किसकी, उषा उद्धूप की। नेक्स्ट है टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है, तो ये लिखा गया है बाई गीतांजलि श्री। फेयरलेस गवर्नेंस, ये लिखा गया है बाई किरण बेदी, ये भी एग्ज़ाम में आया था प्रीवियस ईयर के, बहुत सारे एग्ज़ाम में फेयरलेस गवर्नेंस पूछा गया था। नेक्स्ट है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये बुक को लिखा है नवदीप सिंह गिल ने। इसके बाद हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में, ये लिखा है बिल गेट्स ने। इसके बाद द 10 ट्रिलियन ड्रीम, ठीक है, तो ये बुक को भी पूछा गया था लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में, ठीक है, ये वाली, तो ये लिखा है किसने, सुभाष चंद्र गर्ग ने। तो ये हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 2022 जो अभी भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 23 के तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए, बट ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो साथ में इनको भी पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट है बुक्स एंड ऑथर से उन सबको कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। इसमें अगर आपकी कोई भी यहाँ पे कोई क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करने वाली हूँ। साथ में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।